तो नाम में क्या रखा है बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में बात करेंगे वीडियो एडिटर के बारे में। अगर आपको फ्री में कोई वीडियो एडिटर चाहिए अपने मोबाइल के लिए तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा एक वीडियो एडिटर देने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री होगा, उसमें लोगो वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो जानने के लिए सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों बिना समय में वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जहाँ पे जो वीडियो एडिटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है, उसको ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, जहाँ नीचे जो प्लस का आइकन होता है जहाँ पे क्लिक करके आप अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं, या देखिए न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना होता है। बहुत ही आसान होता है और इसका नाम वगैरह पूरा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह की ये एप्लीकेशन है, नहीं तो आप समझोगे कि कोई बेकार सा वीडियो एडिटर होगा। वीडियो एडिटर काफ़ी बढ़िया है। जहाँ एक वीडियो ले लेता हूँ, मैं वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जहाँ जो नीचे आइकोन है ये वाला, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो आपका इस वीडियो एडिटर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वीडियो आपका इस एप्लीकेशन में आ चुका है। यहाँ सॉन्ग ऐड करने का भी ऑप्शन है, यहाँ टेक्स्ट ऐड करने का भी ऑप्शन है, यहाँ इसमें मल्टीपल वीडियो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और जहाँ नीचे देखोगे जहाँ इसमें काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं, टेम्पलेट है, फिल्टर है, स्पीड है, स्प्लिट है, ट्रिम है, एफएक्स है, डिलीट, वॉल्यूम और क्रॉप, मिरर, फ्लिप, नीचे आपको बहुत सारे इसमें फीचर भी मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया, मतलब मेरे कहने का मतलब काफ़ी बढ़िया ये वीडियो एडिटर है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इस वीडियो एडिटर से अगर आप वीडियो सेव करोगे तो उसमें लोगो वगैरह भी नहीं आता, बिल्कुल फ्री है। मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। राइट साइड ऊपर जहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप फुल HD मतलब जिस क्वालिटी की आपकी वीडियो है उसी क्वालिटी की वीडियो इसमें से अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो इस बटन को ऑन रहने दीजिए। उसके बाद नीचे जहाँ पे क्लिक करना होता है और परसेंटेज स्टार्ट हो जाती है, ये परसेंट 0 से लेकर 100 तक कंप्लीट होने दीजिए। या परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद आपने सिर्फ सेव टू एल्बम पे क्लिक करना होता है, आपका वीडियो सेव हो जाता है आपके मोबाइल की गैलरी में। जहाँ मैं वही वीडियो आपको दिखा देता हूँ, कोई भी लोगो वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ये वही वीडियो है, देखिए इसमें कहीं भी कोई भी लोगो वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फ्री में सेव हो चुका है। और इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर में जाके, काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, फ्री मिलेगी आपको प्ले स्टोर में। इसका नाम है BN वीडियो एडिटर, आपके मोबाइल के लिए काफ़ी बढ़िया ये फ्री वीडियो एडिटर है। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।